नमस्कार आदाब, लिल्ली टाकीज पर आप देख रहे हैं सभी ट्रेड यूनियन की इकाइयां इकट्ठी हो गई हैं। सभी कर्मचारी और सभी मजदूर अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग हो या श्रमिक कानून, कई ऐसे हैं जिन्हें रिड्यूस करके अभी किया गया है, जिससे काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। दो दिन की हड़ताल रखी गई है 28 और 29, जिसमें बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। राजधानी के बैंक भी आज बंद हैं और कई प्रतिष्ठान बंद हैं और कई, यहां पर आप देख रहे हैं कितना बड़ा जनसमूह कर्मचारियों का यहां पर इकट्ठा है। सभी संगठन एक होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। सर, आज पूरा देशव्यापी हड़ताल भी है, क्या प्रमुख मांगे हैं सर आज भी पूरे जो है? देखिए, आज की जो मुख्य मांगे हैं, उन मांगों में सबसे पहले तो हमारे जो न्यू पेंशन स्कीम 2004 से चालू हुई है, उस पेंशन को स्क्रैप करते हुए नई पेंशन योजना, हमारे 2004 के बाद जितने केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको नई पेंशन योजना के तहत लाया गया है। और उनको वर्तमान में जो अनुकंपा नियुक्ति में जो लोग आए हैं, उन लोगों को 20-20 साल नौकरी करने के बाद जिनकी तनख्वाह 60 और 70 हज़ार रुपये बेसिक पे है, उनको मात्र 1000 और 1500 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही है। हमारी मुख्य मांग सरकार से ये है कि हमें मूल वेतन का न्यूनतम 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होना चाहिए। ये सबसे मुख्य मांग हमारी आज की इस हड़ताल की यह है। दूसरी जो मांग है, सरकार ने कोरोना काल में केंद्र कर्मचारियों का डीए रोक दिया। पहले तो हमारी एक एक दिन की, दो दो दिन की तनख्वाह हमने सरकार को स्वेच्छा से दी, परंतु उसके बाद 18 महीने का हमारा एरियर जो पेंशनरों का भी है और रेगुलर कर्मचारियों का है, वह करीब करीब 75 हज़ार करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास जमा है। हम वह मांग करते हैं कि हमारा जो एरियर है, अब देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, इसलिए हमारा वह एरियर तत्काल भुगतान किया जाए। इसके अलावा हमारे बीच में GTS कर्मचारी हैं, उनको नियमित दर्जा दिया जाए। कैजुअल लेबर है, उनको नियमित दर्जा दिया जाए और उनको नए 7वें वेतन बयान के अनुसार से उनका वेतन निर्धारण किया जाए। विभाग में निजीकरण को बंद किया जाए, डाउनसाइजिंग बंद किया जाए और टारगेट के नाम पर, विशेष तौर से टारगेट के नाम पर, यहाँ तो सर्वर इनका चालू रहता नहीं, सर्वर हमेशा। देखिए, एक तो जो मजदूरों के जो 44 श्रम कानून मजदूरों ने लड़कर हासिल किए थे, अंग्रेज़ों के समय से लड़कर हासिल किए थे, वर्तमान सरकार ने उनको 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया है। श्रम संहिता मतलब कानून होता है, मतलब आपको कानून मानना पड़ता है। संहिता होती है, केवल आपको एक तरह की सुझाव दिया जाता है, आप माने या ना माने। तो इस देश में पूंजीपतियों को पूरी खुली छूट देकर, मजदूरों का खून चूसने के लिए, उनका शोषण करने के लिए पूरी खुली छूट देकर, उस मंशा से केंद्र सरकार ने ये श्रम संहिताओं में बदले हैं 44 श्रम कानून, इसको वापस लेने की मांग पर यह हड़ताल है। दूसरा, आप देख रहे हैं महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, पूरी तरह बेलगाम होती जा रही है महंगाई, उसके खिलाफ ये हड़ताल है। तीसरा, काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए, तो आप ये समझिए सीधे सीधे कि जो 8 घंटे 24 घंटे में जो 3 शिफ्ट होती थी, वो अब केवल 2 रह जाएंगी। तो बेरोज़गारी अपने आप, यानी एक शिफ्ट के मज़दूर ख़त्म कर दिए इन्होंने, बेरोज़गारी अपने आप बढ़ जाएगी। और जो है निजीकरण भी सुना है काफी। जी, निजीकरण, ये जो एक पूरी पाइपलाइन लेकर आई है सरकार, वो निजीकरण जो किया जा रहा है, यानी सभी सरकारी संस्थानों को बेचने की जो साजिश है, उसके खिलाफ ये हड़ताल है।
और ये जो तमाम मतलब जितने श्रम विरोधी ये जो कानून आ रहे हैं, साथ ही सरकार की तमाम श्रम विरोधी जितनी नीतियां हैं, साथ साथ आप देख रहे हैं पुरानी पेंशन स्कीम को ख़त्म करके ये लोग नई पेंशन स्कीम ले आए हैं, तो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर ये हड़ताल है। उसमें अभी स्थिति ये है कि आप जिंदगी भर काम करते हैं, आपको पेंशन नहीं मिलती। एक विधायक केवल एक साल विधायक रह ले, उसको जिंदगी भर पेंशन मिलती है, सांसद और विधायक जो। तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर ये हड़ताल है। मैं सुनील गोपाल, AIUTUC ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर राज्य सचिव। राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, कांग्रेस की हड़ताल और सभी संगठन यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। और आज के बहादुर साथियों, नवंबर को जंतर मंतर में जहाँ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के लोग, इंडिपेंडेंट फेडरेशंस के लोग, और जहाँ पर हर छोटी से छोटी संस्था और बड़ी से बड़ी संस्था, चाहे वो इंश्योरेंस के लोग हो, चाहे डिफेंस के लोग हो, चाहे कोल के लोग हो, पब्लिक सेक्टर के लोग हो, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उन्होंने बैठकर एक दिन अपनी संसद लगाई, ट्रेड यूनियन की संसद। और उस संसद में जब हमने जब विचार किया, तो विचार करने के बाद पाया कि जो हमारे कुछ साथी जो संसद में हैं, उन्होंने बताया कि दो बैंकों के निजीकरण का बिल भी है वहां पर। बैंकों के साथियों ने वहां पर खड़े होकर आगे की कतार में होके कहा कि अगर ये बिल वहां पर है तो सबसे पहले हम हड़ताल करेंगे। और आज मैं बधाई देता हूं उन बैंक कर्मचारियों को जिन्होंने पूर्व में इसी मुद्दे को लेकर 2 दिन की हड़ताल करी थी, और सारे बैंक के साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन। दूसरा और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब आप हड़ताल कर रहे थे तो पार्लियामेंट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन उस बिल को दराज में खींचती थी, निकालती थी, टेबल पे रखती थी और वापस दराज में घुसेड़ देती थी। क्यों? कि बाहर आप लोगों की ताकत, आप लोगों का संघर्ष दिख रहा था, उसे दिख रहा था कि ये बैंक एम्प्लाइज है जितना यूनाइट है वो मानेगा नहीं और ये करेगा। इसी प्रकार हमने देखा जो 4 श्रम कानूनों में परिवर्तन की बात करी गई थी, वो कैसे पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती, कहीं चर्चा नहीं, किसी फोरम में चर्चा नहीं होती, ट्रेड यूनियन से चर्चा नहीं होती। और पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट में ऐसा है, हम की स्थिति है, हंगामे की स्थिति है, तो धीरे से पेश करके हाथ उठा के पास किया जाता है। अरे ये मजदूरों का सवाल है, ये चर्चा से होता है, ट्रेड यूनियन से होता है, मजदूरों की मर्जी के बगैर मजदूरों का वेतन भी नहीं होता है। ये सरकार जहाँ विश्व में रोजगार की 4 शिफ्टों की बात कर रही है, 6-6 घंटे की 4 शिफ्टों की बात कर रही है, जहाँ ये हमारी सरकार 12 घंटे का ट्रेड यूनियन एक्ट में अमेंडमेंट करने की बात करती है, जिस दिन वो ट्रेड यूनियन के जो उन्होंने। मैं गणित न्यूज से आसिफ खान, लिली डागिज, भोपाल।